दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास जेरोक्स का B1025 मॉडल है या फिर जेरोक्स का कोई भी मॉडल है तो आप उसमें पेपर लोडिंग कैसे कर सकते हैं, कितने कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। देखिए मेरी ये मेन ट्रे है, इसमें एक ही ट्रे आती है जो मेरे पास मॉडल है। इसमें आप मल्टीपल ट्रे वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं जब आप ख़रीदने वाले होंगे तब। ये देखिए लगभग 250 पेपर यहाँ पर आ जाते हैं। अब साइड से देखिए लगभग 250 पेपर इसमें लोड हो जाते हैं। यहाँ पर आप पेपर लोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ साइजेस लिखे हुए हैं, आप A3 से लेके B4, A4, B5 सब पेपर यहाँ पर लोड कर सकते हैं। बस आपको ये यहाँ से पकड़ के एडजस्ट करना है, ऐसे दबा देंगे तो पेपर एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए ऐसे इसको दबा के फिर ट्रे बंद कर दें। ये हमारा हो गया मेन ट्रे का लोडिंग। और अब आ जाते हैं इसके सेकेंड ट्रे वाले लोडिंग का। ये इसकी सेकेंड ट्रे है, देखिए यहाँ तक ये एक्सटेंड हो जाती है। आप A3 और लीगल पेपर यहाँ से लोड कर सकते हैं अगर आपको A4 कंपार्टमेंट डिस्टर्ब ना करना हो तो। ये देखिए इसको यहाँ से ऐसे पुश करेंगे, यहाँ पर आपको अगर लीगल पेपर लोड करना हो तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका लीगल पेपर लोड हो गया, आप इसको फुल ऐसा रख देंगे तो A3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है A4, A3, B5, B4, A5, A5 सब पेपर लोडिंग यहाँ पर भी दिया हुआ है। ऐसे करके फिर इसको बंद भी कर सकते। तो देखा आपने कैसे हम इसमें पेपर लोड कर सकते हैं।